मथुरा वृंदावन के वार्ड नंबर 22 की अमर कॉलोनी में आज भी लोग कच्ची सड़क से परेशान हैं। जलभराव नाली एवं जल निकासी से परेशान महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया। वार्ड नंबर 22 की अमर कॉलोनी की रहने वाली महिलाएं अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। अमर कॉलोनी की रहने वाली मीरा ने बताया कि उनकी कॉलोनी में आज भी कच्ची सड़क में वह रहने को मजबूर हैं। कच्ची सड़क में पानी भरा रहता है और पानी निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। नालियां भी अभी तक नहीं बनी हैं। कैसे वहां रहें, कैसे बच्चों को पढ़ाएं? महिलाओं का कहना था कि जलभराव के कारण बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते, उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। वहीं अन्य महिला ने ये भी बताया कि पानी भराव से उनका जीना दूभर हो गया है। कई बार निगम से शिकायतें भी की जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी कार्यवाही नगर निगम द्वारा नहीं की जाती। ना तो हमारी कच्ची सड़क है, ना तो पानी का निकास है, ना तो नाली है। हमें इनका समाधान के लिए आए हैं। अब बच्चे स्कूल जाएंगे बरसात का मौसम है, बताओ कैसे निकलेंगे, कैसे करेंगे? हमारा जाना मुश्किल है, तो बच्चे कैसे निकलेंगे? बच्चों को नहीं पढ़ाएं, बच्चों को बाहर नहीं भेजे, घर में कैसे रखे? बताओ, घर का पानी नहीं जा रहा है तो बरसात का पानी कहाँ जाएगा? हाँ, क्या काफी एप्लीकेशन दिए हुए हैं, फोटो भी खींच खींच के ले आते हैं, बस तो कुछ नहीं है, आगे पता चलेगा। ना हमें नाली नहीं आनी है, पानी भर जाता है गली गली में और हमारे भेड़ बच्चे मर जाते हैं, एक बच्चा मर गया, पानी की समस्या बिल्कुल नहीं है और सुनाई नहीं करते। कई बार फोटो खींच लेते हैं, हमारी बिल्कुल सुनाई नहीं करते हैं। नाली लगाना चाहते हैं हम, अपने पानी को रास्ता चाहते हैं।